हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत के नेशनल कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी मदद से दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इशू सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। NCRTC ने एक कॉर्पोरेट वीडियो जारी कर दिया है जो इसके सारे पहलुओं पर बात करता है, तो आज हम उसी वीडियो पर नजर डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रांसपोर्टेशन की समस्या सुलझाने के लिए NCRTC ने दिल्ली के आसपास के 4 राज्यों से हाथ मिलाकर यह प्रोजेक्ट चलाने वाली है। यह NCRTC मुख्य तौर पर 4 सिद्धांतों पर काम करने वाला है। पहला डिजाइन, दूसरा कंस्ट्रक्ट, तीसरा ऑपरेट और चौथा होने वाला है मेंटेन। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली और आसपास के रीजन में हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना होगा, जो उच्च गति से प्रगति की ओर जाने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन साकार करने में मदद करेगा। यह RRTS का प्रोजेक्ट 2032 साल के नेशनल कैपिटल रीजन के लिए बनाए हुए फंक्शनल ट्रांसपोर्ट प्लान का मुख्य भाग है, जिसके तहत 8 अलग अलग नए RRTS कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। पर इसके अभी चलाए जाने वाले फेज 1 के तहत सिर्फ 3 कॉरिडोर्स को पहले डेवलप किया जाने वाला है। उसमें से सबसे पहला कॉरिडोर दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाने वाला है। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली से ही शुरू होकर गुरुग्राम होते हुए अलवर तक जाएगा और तीसरा और फेज 1 का आखिरी कॉरिडोर दिल्ली से ही शुरू होकर पानीपत तक जाएगा। RRTS एक रेल बेस्ड हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो दिल्ली को अपने आसपास वाले कई बड़े शहरों से कनेक्ट करने का काम करेगा। इस RRTS प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में खास ख्याल रखा गया है कि इसे रीजन में उपस्थित बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी वेल कनेक्टेड रखा जाए, जैसे कि एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, इंडियन रेलवेज और मेट्रो स्टेशन, जिससे इस RRTS का उपयोग करने वाले यात्रियों को बहुत ही ज्यादा सुविधा प्राप्त होगी और उनके लास्ट माइल कनेक्टिविटी में मदद होने वाली है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद अगर आपको एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में यात्रा करनी हो तो आपको ट्रेन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप एंड टू एंड यात्रा कर पाओगे। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस कॉरिडोर में बनाए जाने वाले पियर की चौड़ाई सिर्फ 3 मीटर रखी गई है, जिसकी वजह से इस कॉरिडोर का निर्माण कम से कम जमीन पर किया जा सकेगा और इससे इस प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली बनाने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। यह कॉरिडोर ज्यादातर एलिवेटेड रूप में ही कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है, पर जहां पर बहुत ही ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र होगा वहां से यह कॉरिडोर अंडरग्राउंड टनल्स के स्वरूप में निकाला जाएगा। इस कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन में पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाएगा और इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा उच्च टेक्नोलॉजी वाली चीजों का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इस कॉरिडोर पर बनाए जाने वाले रेलवे स्टेशन को भी हाई क्लास डिजाइन में बनाया जाने वाला है, ताकि यात्रियों को इन रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी ही सुविधाएं दी जा सके, जहां पर 24/7 सिक्योरिटी सर्वेलेंस किया जाएगा। उसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन, ATMs, फूड कोर्ट्स और भी बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश किया जाएगा, जिससे यात्रियों का एक्सपीरियंस सुखद हो सके। इस RRTS के लिए बनाए जाने वाले कोचेस बहुत ही ज्यादा आधुनिक और आरामदायी होने वाले हैं। इस कॉरिडोर पर चलाई जाने वाली ट्रेन्स उच्च सुरक्षा और सही फ्रीक्वेंसी के साथ चलती रहे और इस पर किसी भी तरीके के वातावरण का कोई असर न हो, इसके लिए इस कॉरिडोर में ETCS लेवल 2 सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाने वाला है, जिसे एक सेंट्रलाइज ऑपरेशनल कंट्रोल सिस्टम से चलाया जाने वाला है। यह RRTS का कॉरिडोर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की समस्या सुलझाने में मदद न करते हुए उस रीजन के औद्योगिक विकास में भी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है, जिससे उस रीजन में रहने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।